सर्वप्रथम जोहार। आज समाचार प्लस और वनांचल न्यूज़ जो आज हमारे यहाँ पे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे यहाँ के कवरेज करने आया है उसके लिए जोहार। आज के ये मिलन समारोह रखने का उद्देश्य ये था कि विगत 2 महीना पहले हमारा जो लोकसभा का चुनाव है वो पार हुआ है, तो चुनाव के बाद जो थोड़ा बहुत अच्छा फीडबैक हो, चाहे जो हार का सामना करना पड़ा हो उसको लेकर, हालांकि हार तो नहीं था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिली, लेकिन क्षेत्र के लोगों में जो हताश और निराश देखने को मिला था उसी को लेकर मैंने एक निर्णय लिया था कि एक कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया जाए जिसमें ईचागढ़ विधानसभा के चारों प्रखंड चांडिल, निमड़ी, कुकड़ू और ईचागढ़ के सभी लोग उपस्थित होकर हम लोग ताकि कार्यकर्ता को बूस्ट कर पाएँ, ताकि आने वाला विधानसभा चुनाव जो होगा उसको अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से, जो चूक हुई है हमसे इस लोकसभा चुनाव में वो चूक कहीं ना कहीं हम सुधार के रूप में अपने आप को स्थापित करें और लोगों के बीच में जाकर समन्वय स्थापित कर पाएँ और लोगों को किस प्रकार से जुड़े और वोट को लेकर किस प्रकार से लोगों को जागरूक करें, इसी को लेकर हम लोगों ने आज बैठक किया था यहाँ पे चांडिल डैम अंतर्गत इस माल में। आज के दिन जेवीके से नहीं, गुटबाजी का कोई ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिसमल में जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे केंद्र पार्टी के केंद्रीय जो भी है सदस्य लोग सभी लोग हैं यहाँ पे, कम से करीबन आप यहाँ पे 6 केंद्र कमेटी के सदस्य हैं यहाँ पे, तो बाकी कौन गुटबाजी कर रहा है इस सबसे तो हमको कोई मतलब नहीं है। अब ईचागढ़ में अब यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, केंद्र कमेटी के लोग यहाँ पे हैं, बाकी आपका चौका क्या, आपका हो सकता है कि आप चौलीवासा में भी चल रहा होगा, फिर आपका रंगामाटी में भी चल रहा होगा, कौन कहाँ क्या कर रहा है इसकी जानकारी तो हमें नहीं है वर्तमान समय में, लेकिन इसकी जानकारी हमें दी गई थी। लेकिन मैंने कहा कि आज 4 तारीख को मैंने स्वतः पहले ही घोषणा कर दिया था कि 4 तारीख को चांडिल डैम अंतर्गत शीश महल में कार्यकर्ता मिलन समारोह और उनको बूस्ट करने के लिए कार्यक्रम में रखा हूँ, तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जिस प्रकार से जो भी चूक हुई है उसको एक सीख के तौर पर हम लोग लेंगे और उस पर किस प्रकार से ओवरकम पाया जाएगा इस पर हम लोग निष्पादन करने की कोशिश करेंगे।